नमस्कार। रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सीरीज यानी संख्यात्मक श्रेणी के प्रश्नों को लिया है। न्यूमेरिकल सीरीज या संख्यात्मक श्रेणी में जो प्रश्न होते हैं उसमें सीरीज के अंतर्गत सीरीज दिए हुए होते हैं, उस सीरीज में सीरीज के शुरू में या बीच में या अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। प्रश्न चिन्ह एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमें यह बताना होता है कि उस सीरीज में जो प्रश्न का चिन्ह दिया हुआ है उसके जगह पर क्या होगा। इसके लिए हमें जानना होता है कि वो जो सीरीज बना हुआ है, वो जो श्रेणी बनी हुई है, वो किस नियम पर बनी हुई है, वो सीरीज किस नियम का पालन, किस रूल का पालन कर रही है। और जब हम रूल को पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इन प्रश्नों की सहायता से जब आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आप देखेंगे इनमें कई रूल आपको मिलेंगे। तो जब वास्तविक आपकी परीक्षा होगी तो वहां आपको अंदाज लगाने में एक सुविधा होगी कि कौन सा रूल हो सकता है। जितना ज्यादा रूल का आपको पहले से एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा आपको सुविधा होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक। तो यह सीरीज में है 2, 7, 15, 26, 40, 57 और क्वेश्चन मार्क। जो सबसे आसान रूल होता है वो होता है या तो कुछ निश्चित संख्या से वो बढ़ रहा है या निश्चित संख्या से घट रहा है। तो पहला चेक तो हम वही करते हैं, है ना। अगर वो रूल नहीं होता है तब फिर हम कोई दूसरा रूल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है उसको देखते हैं। तो 2 में 5 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 आएगा और 26 में 14 जोड़ेंगे तो 40 आता है और 40 में 17 जोड़ते हैं तो 57 आता है। अब ये जो जोड़ रहे हैं ये एक सीरीज बन गया है। अब ये कौन सा सीरीज पालन कर रहा है इसको हम लोग जांच करने की कोशिश करते हैं। 5, 8, 11, 14, 17 तो देखिए ये 3-3 बढ़ रहा है। ये जो हम ऐड कर रहे हैं वो 3-3 बढ़ रहा है। यहां 5 बढ़ा, यहां 8 बढ़ा, यहां 11, देखिए 3-3 जोड़ते जा रहे हैं, है ना, 14 के बाद 17। तो फिर हम यहां कितना जोड़ेंगे, 3 और जोड़ेंगे 17 में, तो ये अब हम जोड़ेंगे इसमें 20, 57 में 20 जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा 77। तो यही हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। यहां भी हम उस तरह से चेक करने की कोशिश करते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। और इसके बाद 17 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो आता है 26, ठीक है। और अगर अब देखिए ये 3, 5, 7, 9 ये 2-2 के अंतर पर हो रहा है, लेकिन एक चीज और हम देख रहे हैं यहां पर, 3, 5, 7 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3, 5, 7 के बाद 11 भी तो हो सकता था, ये हमने 9 जोड़ा तो यहां 11 भी तो हो सकता था। और अगर हम 17 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया, 26 होगा या 28 होगा। तो अब हम एक दूसरा जांच करेंगे, है ना।
दूसरे रूल को हम लोग चेक करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं दो को हम हम इधर साइड इस साइड लिख रहे हैं, यहां पर जगह नहीं है। दो को हम लिख सकते हैं एक वन का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दो। अब पांच है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दो स्क्वायर प्लस वन पांच, ठीक है। और तीन स्क्वायर या थ्री स्क्वायर प्लस वन ये दस हो जाता है। फोर स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेवेंटीन होता है। देखिए एक अलग तरह का रूल मिल गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, फाइव स्क्वायर प्लस वन यानी छब्बीस, पच्चीस और एक छब्बीस। देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है तो हम इसी रूल को मानेंगे, है ना। अर्थात ये जो सीरीज है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इस रूल से हमारा क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 26। अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये 28 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न संख्या तीन देखते हैं। तीन में देख रहे हैं 6, 12, 24, 48, 96। ये बड़ा सिंपल सरूल हमें पता चल रहा है। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 को 2 से गुना करेंगे 48, 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96, तो फिर 96 को 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 192, 192। तो ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन टू है वो हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहां देख रहे हैं कि घट रहा है, है ना। तो देखते हैं घटा के कि क्या वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 40 से हम 6 घटाएंगे तो 34, 34 से 6 घटाएंगे तो 28, 28 से 6 घटाएंगे तो 22। देखिए 6 घट रहा है तो 22 से 6 घटाते हैं तो क्या आना चाहिए, ये 16 आना चाहिए। और अगर ये 16 है तो इससे फिर 6 घटाते हैं तो 10 आ गया, यानी यहां 16 रखने से ये रूल पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर टू, 16। अब प्रश्न संख्या पांच में आते हैं। यहां देख रहे बढ़ रहा है ना, 12, 18, 26, 36, 48। तो ये जो बढ़ रही है, ये संख्याएं जो बढ़ रही है वो किस तरह से बढ़ रही है इसको देखते हैं। तो 12 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 18 आता है, और 18 में 8 जोड़ते हैं तो 26 आता है, और 26 में 10 जोड़ते हैं तो 36 आता है, और 36 में 12 जोड़ते हैं तो 48 आता है। तो अब देखिए इस सीरीज को देखिए, 6, 8, 10, 12, तो यहां पर क्या होगा, 14 होगा, यानी 48 में अब हमको कितना जोड़ना होगा, 14 जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 8, 4, 12, और ये 2, हाथ पर 1, 4, 1, 5, 1, 6, यानी ये 62 होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि कई रूल हमें मिल रहे हैं, है ना। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, तो ये भी बड़ा सिंपल लग रहा है ना। 4 को 2 से गुना किए तो 8, फिर 8 को 2 से गुना किए 16, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, 32 को 2 से गुना किए तो 64, यानी ये 2 से सब गुना होगा, ये ही रूल है। तो अब इसको हम 64 को 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जा रहा है 128। देखिए जैसे जैसे आप ज्यादा प्रश्न हल करते जाएंगे इसका, तो आप को खुद से पता चलते जाएगा कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि इससे पहले आप कई रूल को देख चुके होंगे तो इससे आपको थोड़ा अंदाज मिल जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ये देखने से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है। आपने वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ा है तो आपको शुरुआती का जो की संख्याओं का जो वर्ग है वो आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद भी कर लीजिए।
वन का स्क्वायर करते हैं तो वन होता है, दो का स्क्वायर करते हैं तो चार होता है, तीन का स्क्वायर करते हैं तो नौ, ये चार का स्क्वायर 16, ये पांच का स्क्वायर, ये छह का स्क्वायर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अभी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 है। अब यहां देखिए प्रश्न संख्या 8। तो 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11, 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13, 13 में 4 जोड़ते हैं तो 17, 17 में 2 जोड़ते हैं तो 19, 19 में 4 जोड़ते हैं तो 23। तो ये 4, 2, 4, 2 ऐसा चल रहा है, तो ये 4 के बाद इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। लेकिन आप यहां ऑप्शन देखिए, 25 तो है ही नहीं यार, है ना। इसका मतलब अगर 25 नहीं है और हमारे ऑप्शन में, तो इसका अर्थ है कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब कोई नया रूल हम चेक करते हैं, है ना, इसे डिलीट करते हैं। तो अब हम इन संख्याओं को गौर से देखते हैं कि है कौन सी संख्याएं, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कुछ याद आया कौन सी संख्याएं हैं? आपने बिल्कुल शुरू के वर्गों में पढ़ा होगा कि संख्याओं के प्रकार, है ना, याद कीजिए, भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या, या कहें संख्याएं, है ना, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, है ना। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती होती हैं, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 29, है ना। 23 के बाद अगला 29 ही आता है, क्योंकि इसके बाद जो है 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। आप एक बार जब यहां पर रूल में भाज्य और अभाज्य की बात जब यहां पर आ गई है, तो आप इसको अच्छे तरह से फिर से पढ़ लें कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। ये 5 या 6 के वर्ग में होगा, ठीक है। चलिए इस पर विशेष बाद में फिर एक अलग वीडियो में बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो ये देखिए 22, 22, है ना, फिर 23, फिर 20, फिर 16, फिर 17, फिर 17, और 2 यहां क्वेश्चन मार्क है, और इसके बाद 8। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कोई बढ़ता है कभी घटता है, है ना, तो ये रूल का पता नहीं चल रहा है। तब एक काम करते हैं, हम लोग एक एक छोड़ कर देखते हैं, है ना। तो ये 22 से 23 एक जोड़ दिए हैं, अब 23 के बाद हम एक छोड़ के आते हैं तो ये 16 हो जाता है। यहां पर क्या हमने किया कि 7 घटा दिया है, यहां पर 7 घट चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक छोड़ के देखते हैं तो ये 17 आता है, यानी इसमें फिर एक जुड़ जा रहा है। तो अब यहां पर देख रहे हैं, यहां क्या है, एक जोड़ते हैं 7 घटाते हैं, एक जोड़ते हैं तो 7 फिर घटा के देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर हम 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। चलिए अब हम दूसरा, अब बीच वाला जो सेकंड वाला है वहां से शुरू करते हैं, उसको देखते हैं। तो 22 के बाद यहां 2 घटाए तो 20 आ गया, 20 से 3 घटाए तो 17 आ गया, तो 2 घटाए 3 घटाए, अब 17 से जब हम 4 घटा दें, है ना, जैसे ये सीरीज चल रहा है 2, 3, तो ये 4 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 13, यहां पर छोटा सा हम लिख रहे हैं 13, ठीक है ना। अब इस यहां पर फिर एक दिया हुआ है, तो फिर हम
चार यहां घटाए हैं, तो अब पांच घटा के देखते हैं कि क्या यह आठ आता है कि नहीं। ये पांच तेरह से घटाए तो आठ आ गया, है ना। तो ये तो तय हो गया कि हमारा ये तेरह होगा, है ना। तब ऑप्शन में देखते हैं कि पहला तेरह किस में है, तो ये देख रहे हैं पहला तेरह ये चौथे नंबर पर है, और इसके बाद दस है, तो ये हमारा मेल खा जा रहा है। जो हमने जांच किया रूल का, तो वो मेल खा गया, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन चार ही सही है। चलिए अब अंतिम यानी दसवां प्रश्न देख रहे हैं। 31 37 सर यहां पर खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53। अभी हमने बात की थी अभाज्य संख्याओं की, तो आप सीधे देखिए ये सारी अभाज्य संख्याएं ही है लगातार। तो 31 के बाद 37, 37 के बाद कौन सा अभाज्य होता है, तो वो होता है 41, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन के जगह हो गया 41, और 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53 अभाज्य संख्याएं। चलिए थोड़ा सा इसका इस पर बात कर लेते हैं, है ना। अभाज्य संख्याएं, चूंकि जो हमने अभी 10 प्रश्न बनाए इसमें दो तीन प्रश्न अभाज्य संख्याओं से आ गया, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? आप देखिए इनको उदाहरण को लेके ही बताते हैं। ये 31, तो 31 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका दो ही गुणनखंड होगा, या तो एक जो इसमें भाग लेगा एक से भाग लगेगा, या फिर स्वयं 31 से ही लगेगा, है ना। इसी तरह से 37 को भी देखिए, वहां भी वही बात है, या तो इसमें हम एक से भाग दे सकते हैं या फिर उसी संख्या से देते हैं, तो इनके गुणनखंड दो आ रहे हैं। अब एक भाज्य संख्या लिख के देखते हैं, दूसरी संख्या। तो भाज्य संख्या एक लेते हैं, मान लीजिए कि अब हम 6 लेते हैं, तो 6 में किससे किससे भाग लगेगा? एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, तीन से भी भाग लग जाएगा, और 6 से भी भाग लग जा रहा है। एक और संख्या लेते हैं, 8 ले लेते हैं, चलिए, तो 8 में एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, और फिर 8 से भाग लगेगा। तो इन दोनों में अंतर देखिए, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके जो गुणनखंड करते हैं तो सिर्फ दो ही गुणनखंड मिलते हैं, जबकि भाज्य संख्या किसके दो से ज्यादा होते हैं, है ना। तो यही परिभाषा है कि जिस संख्या के गुणनखंड सिर्फ दो हो, एक तो एक हो और दूसरा वह खुद संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये इस पर हमने एक संक्षिप्त बात इसलिए कर ली कि इस 10 प्रश्नों में दो तीन प्रश्न हमारे अभाज्य संख्याएं से आ गई हैं। तो आशा है कि कई रूल आपको इस 10 प्रश्न में मिल गए होंगे। इससे पहला जो जो वीडियो था पार्ट टू वीडियो, उसमें हमने इस तरह के 15 प्रश्नों को हल किया था, कुछ अलग तरह के रूल उसमें भी हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।